गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं ठीक होगे। ये मशीन ख़राब हो गई है। सुबह उठ के इसको लगाने की तैयारी की तो देखा पानी डाल के, पानी रुका ही नहीं, इसके अंदर पानी निकल गया, तो इसको ठीक करना है आज। ये ख़राब हो रखा है इसका, ये पानी को रोकता है और निकालता है बाहर। ये ढीला हो गया है तो पानी रुक नहीं रहा मशीन के अंदर और बह जा रहा है, तो इसको चेंज करना होगा। अभी एक बार के लिए तो जुगाड़ कर देंगे, पहले भी ऐसे ही किया था, अब दोबारा फिर चलाएंगे, लेकिन इसको चेंज करना होगा। ये बड़ा हिस्सा इसका चेंज होगा। ढीला हो गया है, करंट लग जाएगा। डोरी कट रहे है, लाइट नहीं है, करंट कितना लगेगा? अरे यो दूसरा कर चला। ये बनाना शेक बना रखा है हर्ष के लिए, वही पिएगा, मैं तो बनाना शेक पीता नहीं हूँ। बनाना शेक ना पिया रे, दूध कर केड़ा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं ये न जानकारी नहीं है ना, आप बना है जानकारी। थोड़ी दो फारा ही घेर दिए, हाँ ना फिर घेर लेंगे। मशीन ठीक हो गई है, सुबह 4:30 बजे होती है शुरुआत अपने काम की। और हाँ लेनी है, ले आवांगे। सुबह ये देखो जामुन चाहिए, अभी जूस पिया है केले का, अभी फिर जामुन चाहिए, ले आऊँगा। सुबह 4:30 बजे होता है काम शुरू भैंसों का, भैंस खिला पिला के और फिर नहला दिया था सुबह ही उनको, और फिर ये मशीन का काम बढ़ गया था आज, क्योंकि कई दिन हो गए कपड़े धुलाई किए हुए, और आज मशीन को देखा तो वो उसका पानी निकालने वाला, बंद करने वाला, वो ख़राब हो रखा था, हो गया है ठीक। वो अभी जाएंगे खेत में चारा लेके आएंगे भैंसों का, और बस फिर आगे देखते हैं। और अभी कल का व्लॉग भी बाकी है, अभी तैयार नहीं हुआ वो, लेकिन पहले खेत में जाना होगा, बाद में धूप और गर्मी ज़्यादा हो जाती है, पहले खेत में जाएंगे और उसको आके तैयार करेंगे। चलते हैं फिर, अब चलेगा तू खेत में? चलूंगा मैं ही ले आऊंगा, तू क्या करेगा? ना है, चलूंगा मैं, चलेगा ठीक है, चल रहे हैं फिर, मिलते हैं। खेत में मेरा जाना कैंसिल हो गया है, मेरे पापा जाएंगे खेत में,
और मेरा काम आ गया है ये तूड़ी को एक साइड करना है, हरा चारा काटने के लिए गंडासा तैयार करना है। तो इसके आगे जो तूड़ी वगैरह पड़ी है इसको बांध के रख देंगे और इसको तैयार करेंगे। आज मेरे ताऊ के इधर काट के लाते हैं, लेकिन अभी घर में ही काटना शुरू करेंगे। आज इसको कर देंगे साइड, साफ कर देंगे बिल्कुल। सुबह भूसा हटा देंगे और शाम को फिर दोबारा तेल पानी करके चालू करेंगे। ये लाल मिर्च की चटनी बन रही है, नहा लिया हूँ मैं और अब खाने की है तैयारी। शाम को बनेगी करेले की सब्जी, उसके लिए 2 आम्बी का ऑर्डर हो गया है। और मेरी माँ बना रही है गेहूँ की रोटी। शाम की सब्जी है थोड़ी घिया की और लाल मिर्च की चटनी है। टिंडी आजकल है नहीं, मैं इसने दूध देना कर दिया है बंद। और ये थोड़ा सा घी स्टॉक कर रखे मेरी माँ ने, उसी से चल रहा है अभी। तो हरियाणा के अंदर ये पुरानी कहावत है कि जिस घर के अंदर दूध नहीं होता तो उस घर में भूत रहते हैं, मतलब आदमी भूत हो जाते हैं, ऐसा हाल होता है। और ये सच्चाई है, दूध के बगैर बड़ा पंगा है, क्योंकि दूध ही सारे खेल का आधार है। और ये दोपहर को लाइट आई तो इसके अंदर फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं, वो ठीक कर रहा हूँ अभी। मरवा पानी हाँ फ्रीज गाड़ा है, पास भी पिया पहले। अच्छा हो गया। हाँ वो टेप किरण दोपहर को मैं इसको नहला देंगे, गर्मी है ज़्यादा, इसने खुद नहाना है। और नलकी पकड़े खड़ा हो गया है, ये बहाना चाहिए। ये दूसरा राउंड है इसका नहाने का। आयु 20 दिन में करते हैं, 20 दिन के लगते हैं ये मारे, 1 दिन भी लगते नहीं। धोए थे कर धोए दो बार धोए माने लत्ते फेर ये इतने टुकड़ इतने लत्ते रोज के हो जा है ये ओ टुकड़ जा कितने सुखाया ना भाई, बिछाना के लकड़ जाएगी, नलके लकड़ जाएगी। क्या मैं महेश नहीं आए थे भाई, पहले पीन का कर दे, पीन का अंदर बड़ा पानी हो रहा है, थोड़ा बहुत ठीक रह जाएगा। देखिए आग बेदी नहीं होना, पीन का एक पे तो मैं मिला तीनों ना मिली ये तक बनी। ये काफ़ी टाइम से बंद है तो तेल पानी वगैरह सूख गया इसका। इसके अंदर तेल पानी करके और फरसे वगैरह इसके सेट कर देंगे,
आज इससे ज्वार की कटाई करेंगे, तैयार कर देते हैं इसको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत बिजी था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ गया अब भी इसके काम करते हुए गंडासे का। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।